आपके अपने चैनल डीपी मैथ्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि एक बोर्ड की कॉपी में अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे लिखें, ताकि जब परिणाम आए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तो हमें हमारी इच्छा या हमारी आशा से काफ़ी अच्छा आए। तो सबसे पहले हम यहाँ ये सीखेंगे कि कॉपी में किस तरीके से वेस्ट वे से लिखें। देखो, जनरली ये हम लोगों ने एक स्लोगन सीखा हुआ है कि अंत भला तो सब भला, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा कि शुरुआत अगर आपकी भली होगी तभी अंत भला होगा। तो पहले हमें शुरुआत ही अच्छे ढंग से करनी होगी, तभी पेपर जो है आपका इफ़ेक्टिवली होगा और आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है हम लोग पेपर में, वो चीज़ ध्यान रखें अपने इंट्री, जो पहला पॉइंट हमारे पेपर के दौरान होता है वो होता है इंट्री। बच्चा मेहनत खूब करता है, पढ़ाई लिखाई खूब करता है, लेकिन जब शुरुआत में एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो सबसे पहला नंबर तो अपनी तैयारी एकदम इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्ट टाइम से 10 मिनट 15 मिनट पहले ही पहुँचना है एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि जब पेपर मिलता है तो पेपर के पहले आपको एक कॉपी मिलती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, तो उसकी इंट्री जो है बहुत आराम से अच्छे ढंग से कर सकें। क्योंकि इंट्री में जब आप घबरा जाते हैं, इंट्री में जब आप इधर उधर कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं और कोई टीचर आके आपको डांट देता है, तो जान लो कि पेपर की शुरुआती ही आपकी गड़बड़ हो जाती है और आने वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ही भूल जाता है। तो इंट्री इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट इट कि हाउ शुड आई इंटर एंड हाउ शुड स्टार्ट द पेपर। तो स्टार्ट पेपर करने से पहले मैं बोलूँगा कि अपने नाम, अपना रोल नंबर, अपना केंद्र का कोड, जिला का कोड, विषय का कोड, इन सब सारी बातों को हम कैसे इंटर करते हैं उसके बारे में हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है पहले से ही सीख के जाना। जैसे मान लो जिला का कोड है आपके सामने, वो आपको सब कुछ क्या है आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होता है, आपको एडमिट कार्ड में कम्प्लीटली सारी जानकारी उसमें आपको जानते रहना चाहिए। और वहाँ पर जा कर के जब भी कभी आपको कॉपी मिले तो आपको मान लो जिला कोड जो भी होगा आप यहाँ फिल कर देंगे, केंद्र का कोड, केंद्र मतलब जहाँ आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, स्कूल का भी नाम मतलब उस सेंटर का नाम पूछेगा तो उसको भी भर देंगे और केंद्र का कोड भी जो होगा उसको भी भर देंगे। रोल नंबर में थोड़ी दिक्कतें आती हैं बच्चों को, रोल नंबर अंकों में और शब्दों में, हालांकि बच्चे बहुत शुरुआत से पढ़ते रहते हैं लेकिन कभी कभी कई बातें होती हैं, बच्चा रोल नंबर लिखते समय गलतियाँ करता है। तो देखो, जैसे मान लो मेरा रोल नंबर है 11,12,603, अगर मेरा रोल नंबर है तो मैं भरूँगा कैसे, तो अंकों में तो आपको तो ऐसे ही भरना पड़ेगा 11,12,603, लेकिन शब्दों में बच्चे दिक्कत कर देते हैं, अरे 11,12,603, कई बार बच्चों को उच्चारण नहीं आता, तो इजीली से आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर लिख देंगे एक, हिंदी में लिखेंगे तो एक, इंग्लिश में लिखेंगे वन, फिर यहाँ भी भर देंगे एक, यहाँ भी एक हो जाएगा, फिर यहाँ भी एक करके भर देंगे, यहाँ आप लिख देंगे दो, यहाँ लिख देंगे सिक्स, ठीक है, यहाँ लिख देंगे शून्य, और यहाँ लिख देंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देंगे तीन। तो इस तरीके से आपके पास में क्या हुआ कि पूरा रोल नंबर हमने शब्दों में भर दिया। तो डरने की कोई बात नहीं, आप इसको अलग अलग करके भर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो 11,12,603, 11,12,603 भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि बच्चों को भूलने का डर रहता है, तो आप इसको ईजिली सिंपल सा तरीके से आप ऐसे ही लिखें शब्दों में। विषय का कोड, जिस विषय को आप दे रहे हैं उसमें आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है आप उसको लिख लेंगे। प्रश्न पत्र की जो संख्या होगी, जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो लगभग बोर्डों में हर सब्जेक्ट का एक ही पेपर आ रहा है, तो यहाँ पर केवल एक ही पेपर होता है, हिंदी में केवल लिख दो, इंग्लिश में आप इसको लिखना चाहें तो ओनली लिख सकते हो, केवल एक ही पेपर आज के टाइम में बन रहा है लगभग हर सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से यूपी बोर्ड में क्या है कि 10th क्लास के बच्चे के लिए OMR सीट इम्पॉर्टेंट हो गई है, जिसमें 20 क्वेश्चंस क्या हैं ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उनके लिए OMR सीट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि पहले तो OMR सीट के बारे में जाने, OMR सीट में क्या होता है कि हमारे पास में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको OMR सीट में भरना है। तो OMR सीट में भरने के लिए जो 4 ऑप्शन मिलते हैं आपके पास में, जैसे 1, 2, 3, 4, मान लो पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं,
तो इनको भरने के लिए जैसे कोई भी ऑप्शन आपका राइट हो, ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है, कोई भी राइट है, मान लो बी राइट है, तो बी वाले पार्ट को आप क्या कर देंगे, कम्प्लीटली इसको ब्लैक कर देंगे, इसको काला कर देंगे। इसकी एंट्री आप इसी तरीके से करेंगे, इसको कम्प्लीटली क्या है, ब्लैक कर देंगे बबल्स को। तो इस तरीके से समझा जाएगा कि आपका आंसर सही है। कभी भी इसको आप ऐसे करके इतना ना काला करें, या इसको काटे पीटे नहीं, या ना ही इसको खुरेचें, कुछ भी ना करें, इतना ही कर दें, आपको बी ऑप्शन राइट है तो राइट है। इस तरीके से आप इसके आंसर को एमआर शीट में दे सकते हैं। आपके सामने क्या होता है, प्रश्न पत्र की सीरीज, वो पेपर जब मिलता है तो उसके ऊपर सीरीज लिखी रहती है। जैसे मान लो कि सीरीज में क्या है, ए एच है, ऐसे करके सीरीज दिया रहता है। तो यहाँ पर सीरीज में जैसे यहाँ पर क्या है, आपको कोष्ठक ए लिख देना है, तो ए वाले पार्ट को आपको ब्लैक कर देना है। ऐसे ए वाले पार्ट को आप यहाँ पर ब्लैक कर देंगे कम्प्लीटली, और उसके बाद में जैसे एच है तो यहाँ पर एच लिख देंगे और एच वाले पार्ट को कम्प्लीटली ब्लैक कर देंगे। तो सबसे पहले मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है, बच्चों को एंट्री करना पेपर की कॉपी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो कॉपी की एंट्री जो है सबसे पहले शुरुआती में अच्छे ढंग से होनी चाहिए। कभी कभी बच्चा घबरा करके ये भी भूल जाता है कि आज का दिन कौन सा है और आज की डेट कौन सी है। तो पेपर में हालांकि एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा रहता है कि जिस दिन पेपर देने जा रहे हो उसका दिन सोमवार है और डेट ए है, तो वो दिन और दिनांक भी आपको कम्प्लीटली क्या है, याद होना चाहिए। कई बार क्या है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पूछते हो तो जो इन्विजिलेटर होता है वो आपको डांट देता है। कभी कभी तो कोई गुस्से वाले होते हैं, वो आपको थप्पड़ भी मार देते हैं। इस कारण से सुबह का जो पहला पेपर होता है उसमें ही आपका दिमाग खराब हो जाता है। तो ये सब कारनामे जो होते हैं वो पेपर मिलने के पहले ही होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शुरुआत की जो एंट्री होनी चाहिए पॉजिटिवली होनी चाहिए, फ्रेश माइंड से होनी चाहिए, इफेक्टिवली होनी चाहिए, इम्प्रेसिवली होनी चाहिए, ताकि एक विद्यार्थी जो है अपने पेपर की जब शुरुआत करे तो हर एक क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सके। चलो हम शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कई बार जब 10th क्लास का बच्चा जो है पेपर देने के लिए जाता है फर्स्ट टाइम, तो उसके दिमाग में होता है कि कहाँ से लिखना शुरू करें। तो आपको हम एक ही बात बताएंगे, वो भी आप जानते हो कि हम लोग शुरुआत फर्स्ट पेज से ही लिखना शुरू करें। तो जैसे पहला जो फर्स्ट जब शुरुआत करोगे तो पहला पेज तो एंट्री का होगा, जिसमें आप अपना रोल नंबर, अपने सेंटर कोड, ने जो स्कूल जहां पर सेंटर है उसका नेम कम्प्लीटली वो आप भरते हो, पूरा पूरा फिलअप करोगे, उसके बाद पलटोगे तो पहला जो पेज आएगा वहीं से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत जैसे आप करते हो तो आपको वहां पर क्या लिखना है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लिखते हो तो प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या आप डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है एक डाल दिया, तो प्रश्नोत्तर संख्या एक डाल करके यहीं से आप लिखना शुरू कर देंगे, है ना। उत्तर एक, अगर मान लो पहला क्वेश्चन है और इसके पार्ट दिए गए हैं, तो पहला मान लो पहले क्वेश्चन में कई पार्ट हैं तो आप उसको पार्ट के हिसाब से पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर एक डाल करके आप वहां से लिखना शुरू कर देंगे। कई बच्चों के दिमाग में होता है कि सर स्केल से लाइन खींचना इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं तो आपको बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड पेपर में तो ऑलरेडी क्या होता है कि पूरा का पूरा कॉपी जो होती है वो अपने रजिस्टर की जैसा ही होती है, तो उसकी लाइन जो लेफ्ट साइड में होता है जहां पर कोई शब्द जाने से छुप जाए ऐसा कुछ नहीं होता, वहां लाइन कम्प्लीटली खींची हुई होती, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइन वगैरह ना भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां डायरेक्टली ईजिली क्या है आप अपने जो मैटर है उसको दिमाग से अच्छे ढंग से वहां एक्सप्रेस करें, ताकि आप पूरा का पूरा मैटर जो आपके दिमाग में है जो पढ़ा है वो आप वहाँ पर एक्सप्रेस कर दें, जिससे कि आपका टीचर्स जो है कॉपी चेक करे तो आपको अच्छे नंबर दे। अच्छा, दूसरी बात बच्चों के दिमाग में होती है कि बहुत बड़ा बड़ा, बहुत छोटा छोटा, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत छोटा छोटा मैटर नहीं होता। मैटर ये होता है कि आपको क्वेश्चन जो पूछा है वो किस स्तर का है, लॉन्ग टाइप का है, शॉर्ट टाइप का है, वेरी लॉन्ग है, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन वहाँ पर लिखना है। कोई ऐसा एक नंबर क्वेश्चन है उसको तीन पेज में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई टाइम आपका बर्बाद होगा, और दूसरी बात क्या है, तीन पेज आपके बर्बाद होंगे जबकि नंबर उसमें अगर आपका सही होगा तो एक ही मिलेगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही उसमें जो लिखना है वो उसी के हिसाब से ही आपको लिखना है कम्प्लीटली, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है वो, इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेट आंसर। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कभी आप पहले पेज की शुरुआत करें तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले तो आप पेपर पढ़ लें, पेपर को पढ़ने जल्दी से आप पेपर को पढ़ लें कम्प्लीटली, क्योंकि 15 मिनट आपको यही हिसाब से दिया जाता है कि पेपर आप पढ़ लें।
तो पेपर आप पढ़ने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन आप वही स्टार्ट करें जिस क्वेश्चन का आंसर आप एक्यूरेटली जानते हैं, जिसका क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं जानता हूँ, आप वहीं से ही शुरुआत करें, ताकि जब टीचर्स आपकी कॉपी को उठाए तो शुरुआत से ही उसका दिमाग जो है डिस्टर्ब ना हो कि आप कुछ नहीं जानते। आप जैसे ही अपना कम से कम 1, 2, 3 पेज इस तरीके से आप शुरुआत के ही क्वेश्चन वही लिखें जिनमें आप एग्जैक्टली आपको जानकारी है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर से ही शुरुआत करें आप अपने पेपर की। दूसरी बात, जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हो, मान लो क्वेश्चन आपने फर्स्ट किया, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखना है कि मान लो इसमें 5 पार्ट हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में ही 5 पार्ट हैं, मतलब 5 क्वेश्चन हैं, ABCD करके 5 क्वेश्चन हैं। तो जब भी कभी इनका आंसर आप लिखें तो इस तरीके से आप लिखें, जैसे मान लो आप लिख रहे हैं आंसर कितना, आंसर 1 लिख रहे हैं, है ना, तो आंसर 1 लिख रहे हैं, आंसर 1 का कौन सा आंसर लिख रहे हैं, आंसर 1 का A लिख रहे हैं, तो आंसर 1 का A आप यहां पर एक्सप्लेन करें कम्प्लीटली, आंसर 1 का A एक्सप्लेन करें। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 और उत्तर 1 का A आप लिखेंगे। फिर अब ध्यान रहना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर पार्ट है, इंटरनल मतलब डिवीजन है, अंदर ही कई पार्ट हैं, तो उनको एक साथ ही करें। बाय द वे, मान लो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप एक काम करें, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को आपने कर लिया, करने के बाद 2 लाइन छोड़ दें, यहां से 2 लाइन की आप गैप कर दें, क्योंकि लाइन छोड़ इस क्वेश्चन के अंत के बाद में थोड़ा सा स्थान आप स्पेस दे दिया करें, ताकि आपको दूसरा क्वेश्चन जब टीचर चेक करे तो उसको मालूम पड़े कि ये दूसरा क्वेश्चन आप लिख रहे हो, मतलब पहले का दूसरा पार्ट आप कर रहे हो, नहीं तो पता लगा कि ये समझेगा पहला ही क्वेश्चन आपका पहला ही पार्ट कर रहे हो, तो एक ही नंबर से वो क्या है दोनों का काम चला लेगा, तो आपके 2 नंबर मिलने के बजाय वो एक ही नंबर मिलेंगे। तो बीच में क्या है थोड़ा सा 2 लाइन आप छोड़ देंगे, उसके बाद में 1 का भी आप यहाँ पर करेंगे, ताकि टीचर समझे कि भाई ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दोनों के बीच में क्या है कि 1-2 लाइन छूटी हुई होनी चाहिए, जिस कारण से टीचर्स क्या है हर क्वेश्चन का मार्क्स आपको देता हुआ चला जाए और उसको वहाँ पर क्या है अपने नंबर के सीट में वो चढ़ाता चले, तो इसको भी आप ध्यान देंगे। तो पहली बात क्या है कि आपको क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहाँ से करनी है जिसका आंसर आपको एक्यूरेटली मालूम हो। दूसरी बात, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरनल डिवीज़न है, मतलब एक ही क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, तो उस पार्ट को हमेशा एक साथ लिखें। और मान लो बी वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम है, ए का मालूम है, सी का मालूम है, डी का मालूम है, ई का मालूम है, तो आप एक काम करें, बी वाला क्वेश्चन के लिए चाहे तो आप स्पेस छोड़ दें, चाहे तो इसको जगह छोड़ दें, इसकी इतना मालूम होगा कि भाई क्वेश्चन कितने आंसर कितने में आ जाएगा, उतना स्पेस छोड़ करके सी वाला ऑप्शन यहाँ से लिख दें, डी वाला ऑप्शन यहाँ से लिख दें, बाद में जैसे ही आपके दिमाग में आए इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से दे दें। तो इस तरीके से शुरुआत आप करेंगे, ओनली फ्रॉम दोज आंसर विच यू नो वेरी एक्यूरेटली। एंड डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। अगर आप टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं करके जाते हो पेपर में, तो ये समझ लेना कि आपका पेपर का क्वेश्चन छूटेगा, निश्चित छूटेगा, चाहे वो इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे वो एवरेज हो, चाहे वो डल बच्चा हो। तो आपको ये समझना है कि पहला नंबर तो टाइम का मैनेजमेंट क्या करना है, पहले से करके जाना है अपने पेपर का। हमने एक जनरल पेपर अपने माइंड से इस तरीके से बनाया हुआ है जिसमें आपके सामने हमें, क्योंकि मालूम होगा कि भाई कोई बच्चा चाहे 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का हो, बोर्ड का कोई बच्चा हो पेपर देने जा रहा है, तो जनरली मालूम है कि हमारे पास में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने एक मोटा मोटा आइडिया लेकर के बनाया है क्वेश्चन, जैसे 1 से लेकर 20 तक, मान लो 10th क्लास का पेपर है, यूपी बोर्ड का पेपर है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 20 तक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रत्येक क्या होते हैं 1 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद में ये सेक्शन ए में होता है, सेक्शन बी में क्या होता है, कुल मिलाकर के आपके सामने 5 क्वेश्चन होगा, जिसमें से 1 क्वेश्चन में क्या होता है, कुल मिलाकर 6 पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, कुल मिलाकर के इसमें भी पार्ट 6 होता है, लेकिन करना सिर्फ 5 ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 3 में क्या होता है, 2 क्वेश्चन होते हैं, बीच में अथवा लिखा होता है, चाहे ये करो चाहे ये करो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है, 2 क्वेश्चन होता है, बीच में अथवा और लिखा होता है, चाहे ये करो चाहे करो। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही कहानी होती है, एक क्वेश्चन बीच में अथवा लिखा होता है, चाहे करो चाहे करो। अब कहानी ये है कि अपन के सामने ये पूरा पेपर है, लेकिन इस पूरा पेपर की डिज़ाइन है, लेकिन अगर हमारे पास में टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता तो हम शुरुआत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही उलझे रहते हैं और कम से कम 2 घंटा इसी में लगा देते हैं। जब हमारे पास में 1 से 20
दो बेल लग जाती है, एक दो करके बेल लग जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, तब उसके बाद दिमाग में आता है कि यार एक ही घंटा तो बचा पड़ा है, अब एक ही घंटा में हमें क्या करना है, जबकि ये 20, एक से लेकर 20 तक का क्वेश्चन प्रत्येक एक मार्क्स का, अगर सारे 20 सही हो जाएंगे तो 20 ही नंबर तो आएंगे आपके, अभी तो फेल हो रहे हो आप। तो एक घंटे में हम क्या करते हैं, शेष क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, और शेष क्वेश्चन क्या है, एक घंटे में हड़बड़ाहट के कारण से जो आते भी रहते हैं क्वेश्चन, उसको भी नहीं हम कर पाते हैं। इसी कारण से क्वेश्चन को करने से पहले टाइम का डिवीजन करके आप जरूर जाएं। जैसे हम आपको एक जनरली एक ओरली आइडिया बता रहे हैं आपको, जैसे मैंने क्या किया, एक से लेकर 20 तक क्वेश्चन, मान लो हमारे पास 3.25 घंटे का टाइम है पेपर करने का, तो मैंने एक 15 मिनट तो हटा दिया, मान लो पेपर पढ़ने में फिर उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बचना चाहिए, हमने 3 घंटे में डिवीजन बनाया है। हालांकि आपको इसके इससे कम में ही आपको डिवीजन बनाना चाहिए टाइम का मैनेजमेंट करने के लिए। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट आपके पास में है। अब इस 180 मिनट में हमें क्या करना है, पूरा पेपर करना है। तो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमने 2 मिनट दिया, तो अगर मैं एक क्वेश्चन को 2 मिनट दूंगा तो 20 क्वेश्चन को हमारे पास में 40 मिनट हो गए। तो इसका मतलब है कि हमने एक क्वेश्चन में 2 मिनट दिया तो 20 क्वेश्चन में हो गए हमारे पास में 40 मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास में 40 मिनट तो हमारे हमने पहले डिवीजन कर दिया कि भाई पहले के ऑब्जेक्टिव जो 20 क्वेश्चन है उनमें प्रत्येक क्वेश्चन में 2-2 मिनट देना है, 40 मिनट हमें टोटल मिला करके ऑब्जेक्टिव में खत्म करने हैं। तो इस तरीके से हम 40 मिनट हो गए। अब हमारे पास बचे कितने, कुल मिला करके बचे हैं 140 मिनट हमारे पास बचे हैं। अब 140 मिनट में हमने एक काम किया, जैसे एक क्वेश्चन कितने हैं 2-2 मार्क्स के हैं, तो हमने एक काम किया। अब अपन लोग कहाँ आ जाते हैं, सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में देख रहे हैं कि हमारे पास में कितने पार्ट हैं कुल मिलाकर के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, मतलब एक ही क्वेश्चन में 6 different questions हैं, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 2 मार्क्स का है। तो हमने क्या किया, अब इसमें डिवीजन कर दिया कि भाई मुझे एक क्वेश्चन में सिर्फ 5 मिनट टाइम देना है, तो 6 क्वेश्चन में कितने टाइम हो जाएंगे हमारे पास में, 6 into 5 मतलब 30 मिनट। अब इसमें हमें, इसका मतलब इस क्वेश्चन फर्स्ट को मुझे 30 मिनट में ही कंप्लीट कर लेना है, तो 30 मिनट अब हमारे यहाँ पर हो गए। अब हमारे पास बचा कितना, 40, 30, 70, मतलब कुल मिला के 110 मिनट और बचा हमारे पास में, 110 मिनट अभी आपके पास में सेफ है 3 घंटे में। क्वेश्चन 2 की शुरुआत करते हैं, ए टू एफ है, जिसमें से केवल 5 क्वेश्चन करना है, अब प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, है ना, तो केवल 5 क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर 5 मिनट दिया था, अब इसमें 4 मार्क्स का है, ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसका मतलब दुगना है 4 मार्क्स का, तो हमने इसको दुगना टाइम दिया। 5 मिनट इसमें दिया था तो हमने इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 10 मिनट टाइम दिया, तो अगर मैं इसमें 10 मिनट टाइम देता हूँ तो 10 मिनट टाइम देने का मतलब हो गया कि 5 क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, 5 into 10 मिनट इज इक्वल टू हो गया 50 मिनट। इसका मतलब अब मैं क्वेश्चन 2 को जो खत्म करता हूँ कितने मिनट में खत्म करता हूँ, 50 मिनट में कंप्लीट करता हूँ। तो अब हमारे पास में कितना टाइम बचा, 110 मिनट में 50 मिनट हम घटा देंगे, तो कुल मिला के अब 60 मिनट हमारे पास बचा हुआ है, मतलब एक घंटा पूरा हमारे पास बचा हुआ है। अब इस एक घंटे में हमारे पास में 3, 4, 5 मतलब 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, और तीनों लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें प्रत्येक का 6 मार्क्स का है एक एक। तो देखो इसमें सब में एक ही क्वेश्चन है लेकिन बीच में अथवा है, चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो, चौथे में चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो, और पांचवे में भी चाहे इसको करो चाहे इसको करो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने क्या है 4 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इसमें 10 मिनट दिया, 2 नंबर क्वेश्चन था इसमें हमने 5 मिनट दिया, तो अब लंबा क्वेश्चन है तो इसमें हम एक काम करेंगे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, तो हमने इनको 20 मिनट दे दिया। तो एक क्वेश्चन में हमने 20 मिनट दिया तो इसका मतलब इसमें 20 मिनट आ गया, इसमें भी हमने काम किया 20 मिनट दिया तो इसमें भी 20 मिनट में इतना आ गया, लास्ट क्वेश्चन इसमें भी हमने 20 मिनट दिया। तो इस तरीके से, तो देखो आपके पास में पूरा 20, 20, 40, 20, 60, 110 है ना, 110 के बाद 140 हो गया, 140, 40, 180, मतलब पूरा 3 घंटे में आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया। हालांकि इसमें भी 10 मिनट 15 मिनट आपको अपने हिसाब से और मैनेज करना चाहिए ताकि पेपर 10-15 मिनट और पहले हो, लेकिन तब भी मैंने एक जनरल से मोटा आइडिया आपको करके बताया है कि टाइम का मैनेजमेंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ताकि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, हड़बड़ाहट ना हो, दिक्कत ना हो, और जो क्वेश्चन का आंसर आप घर से पढ़ के गए हो कभी आपके दिमाग में ये ना आए कि सर ये तो मुझे आता था लेकिन मेरा छूट गया। ये छूटता क्यों है, छूटने का ये पंगा यही है, बिकॉज यू डू मिस मैनेजमेंट, दैट्स वाई यू लीव क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। तो आपको ये काम नहीं करना है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट
हु हैव अ मिसमैनेजमेंट आइडियाज, सो उसको आप दूर करें कैसे, इनको सीख करके। अगला पॉइंट जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको जानना जरूरी है वो क्या है, आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि आंसर को हम लोग नीटी लिखें, मतलब साफ सुथरा लिखें, नीट एंड क्लीन लिखें। ऐसा ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हमारी राइटिंग नहीं बैठती है तो हम लोगों का नंबर नहीं मिलेगा, राइटिंग है तो अच्छी बात है, नहीं राइटिंग बैठती है तो क्वेश्चन को आंसर जो है इस तरीके से दो ताकि टीचर जब आपकी कॉपी पढ़े तो साफ पढ़ सके, आप जो लिखे हो उसके बारे में वो समझ सके। तो इस तरीके से कॉपी को आप लिखें, क्वेश्चन को साफ सुथरा लिखें, क्वेश्चन के ऐसा नहीं कि आप एक शब्द यहाँ लिख रहे हो तो दूसरा शब्द बहुत दूर लिखो, तीसरा शब्द चौथे बहुत दूर लिखो, एक लाइन में सिर्फ तीन ही शब्द लिखो, ऐसा नहीं जरूरी है। क्वेश्चन को आंसर जब भी लिखो तो साफ सुथरा लिखो कि आपको वो दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर जो लिखा है आप भी पढ़ पा रहे हो तो अगला बंदा भी उसको पढ़ सके। इस तरीके से आपको इस पॉइंट को समझना इम्पॉर्टेंट है। तो छठी बात जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर जहां पर भी हो फिगर आप जरूर बनाएं। ज्यादातर फिगर बनाएं तो पेंसिल से बनाएं, क्योंकि पेंसिल में क्या होता है कि उसको मॉडिफाई करने का, आपके पास में रेजर होगा तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो फिगर आप बनाएं, अगर जैसे बायोलॉजी वगैरह का है उसमें नामकरण वगैरह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसको भी करें, ये नहीं कि सिर्फ वर्ड में ही आप लिखे जा रहे हैं। जहां पर फिगर आए आप उसको फिगर जरूर बनाएं, क्योंकि फिगर कई बार ऐसा होता है कि फिगर एक ऐसी चीज होती है जो कि लाखों शब्दों को मुश्किल से थोड़े में ही एक्सप्लेन कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत लंबा है और लास्ट में हमारे पास टाइम बहुत कम बच रहा है तो हम लोग क्या करते हैं जनरली हम उसको क्या करते हैं, फिगराइज कर लें, या जनरली उसको हम लोग एक तरीके से टेबल बना करके उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने टाइम को कम से कम टाइम में अधिक से अधिक मैटर दे सकते हैं। तो ध्यान रहे जहां पर भी क्वेश्चन में ये रहे कि फिगर आपको बनाना है तो फिगर आप वहां जरूर बनाएं। अगर बायोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन है उसका नामकरण वगैरह भी करके आप आते हैं तो इसलिए क्या है कि आपको क्वेश्चन का मार्क्स जो है आपको बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा एक बात और भी ध्यान देनी है, जैसे ग्राफिकल मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस करने होते हैं तो ग्राफ वाले क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स में करने होते हैं तो ग्राफ को हमेशा पेंसिल से बनाएं और उसके साथ साथ में जो उसके यूनिट्स हैं यूनिट्स हमेशा लिखें, क्योंकि यूनिट्स वगैरह ना लिखने कारण से भी टीचर्स मार्क्स आपके काट लेता है। तो यूनिट्स वगैरह आप वहाँ पर प्रॉपरली आप वहाँ मेंशन करें। तो इन दो बातों को आप यहाँ पर होते हैं बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं और जिसमें आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए पहले तो मेन जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको आप क्या करें, जहां पर आपने रफ वाला सेक्शन है, जो पीछे आपने रफ सेक्शन बना रखा है वहां पर आप क्या करें, कुछ मेन पॉइंट्स हैं आप उसको लिख दें। जैसे मान लो मैं मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन मान लो आ गया लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का कि सिद्ध कीजिए कि कोई आपके पास में ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन जा रही है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो जो शेष अन्य दो लाइनों को डिवाइड करती है वो क्या होते हैं, समान रेशियो में होते हैं। आपको ये चीज प्रूफ करने के लिए मान लो आपको प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो जनरल सा रफली आप ऐसे बना लो, बनाने के बाद में आपको मालूम है कि गिवन लिखना है, गिवन के बाद में टू प्रूव लिखना है ना, फिर उसके बाद में प्रूफ लिखना है तो, और इसके बाद में कंस्ट्रक्शन करना है, रचना करनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ जनरली आप लिख दिए उसके बाद में अब आपने इसका जनरल आइडिया यहाँ पर आपने क्या किया, मेंशन कर दिया, जनरल आइडिया आपने मेंशन कर दिया। अब उसके बाद में आप अपने फेयर कॉपी में जब वो क्वेश्चन लिखें, जैसे मान लो आप ये लिख रहे हैं आंसर किसका, आंसर मान लो पांचवें का लिख रहे हैं तो आंसर 5 आप डालें और यहाँ पर आप अपना आंसर लिखना इसका शुरू करें। तो यहाँ पर अब इसमें थोड़ा मेंशन पॉइंट आपके सामने इजीली लिखा हुआ है तो आप इसको देख करके अब आप फटाफट अपना जो रिजल्ट है, जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करते जाते हैं। इस तरीके से क्या है कि आपका बहुत ही मिनिमम टाइम में अपने हेडिंग का यूज करके एग्जैक्टली इम्प्रेसिवली और ऑप्टिमम वे से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने आपके सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत सहूलियत देंगे और आपको अपने कॉपी में लिखने के लिए बड़ा अच्छा एक रास्ता दिखाएंगे। लास्ट में हम आपको बताएंगे जब भी कभी पेपर आप खत्म करें, पेपर कंप्लीट करें तो उस पेज के नीचे जहां पर आपका पेपर मान लो यहां कंप्लीट हो गया तो यहां आप समाप्त लिख दें, ठीक है।
समाप्त लिख दें या दाइन, जो भी आप लिखना चाहें लिख दें। और उसके बाद मान लो इसमें आगे के दो तीन पेपर बचे, मतलब कॉपी में पेज बचे पड़े हैं, तो शेष पेज का, जो शेष पेज आपके पास बचे पड़े हैं उनको काट दें, उनको आप ऐसे काट दें, शेष पेज को काट दें। तो इस तरीके से जनरली क्या है, और लास्ट में जा करके अपना जो रोल नंबर है, लास्ट में अपना रोल नंबर आप यहाँ पर जरूर मेंशन कर दें। तो इस तरीके से कम्प्लीटली क्या है कि हम पूरी की पूरी कॉपी का ढांचा हमने बताया कि पूरी कॉपी को हम किस तरीके से लिखते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं, बीच में हम किस चीज़ का चीज़ ध्यान रखते हैं और अंत में हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सारे वीडियो का जो मैटर है वो समझ में आया होगा, और आगे अगर ये चीज़ आपको समझ में आया है और आपके काम का है तो अपने कुछ दोस्तों को भी ज़रूर इसको भेजें ताकि वो इसका फ़ायदा उठाएं और आने वाले पेपर्स में, जो उनके बोर्ड के पेपर हैं, उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।